हेलो दोस्तों, देखो आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके हम आए हैं और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं विजयवाड़ा का दृश्य। तो ये विजयवाड़ा में एक टेंपल है, यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है। देखिए पूरा पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ है और बाकी इधर ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के ऊपर ये बैरेज बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ही मस्त नज़ारा है। आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए अगर अभी किसी भी काम से आ रहे हैं विजयवाड़ा में तो ये बैरेज घूम के ज़रूर जाएँ। ये देखिए आपको दिख रहा है सामने लिखा हुआ, इसका नाम है प्रकाशम बैरेज। ये प्रकाशम बैरेज बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आप घूम के जरूर जाइएगा। देखिए इधर से भी आपको हम दिखा दे रहे हैं नज़ारा, यहाँ का बहुत ही बढ़िया है। प्रकाशम बैरेज दुर्गा माता का टेंपल, यहाँ पे आप आ सकते हैं और पूरा अच्छे से घूम के जाइएगा। बहुत ही मस्त नज़ारा है सुबह सुबह का। देखिए एकदम लहरें चल रही हैं, यहाँ से बैरेज से पानी निकल रहा है और हम लोग भी बैरेज के ऊपर से ही जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मंडा डैम पे। मंडा डैम यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दृश्य दिखा देता हूँ, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। आप लोग देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अच्छी अच्छी वीडियोज हम ऐसे ही देते रहेंगे आपके लिए। ये देखिए ये लोग हमारे मित्र लोग हैं, सब लोग हम जा रहे हैं घूमने। ये भाई साहब हम लेके जा रहे हैं अभी। और देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये पहाड़ी पूरी काट के बनाया गया रास्ता है। यहाँ पूरी पहाड़ी को कट किया गया है, उसके बाद ये रास्ता बनाया गया है यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। बहुत ज्यादा ग्रीनरी है लेकिन यहाँ पे कंप्लीट एरिया इज ग्रीन एरिया। देखिए इसके पहाड़ी के ऊपर भी एक टेंपल बनाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा टेंपल जो कि पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। चारों तरफ ग्रीनरी और पुष्प वर्षा हो रही है, एकदम गजब नज़ारा है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये व्यू, और आप लोग भी प्लान करिए यहाँ आने का। बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए विजयवाड़ा के अंदर। आपको सबसे ज़्यादा यही विजिटिंग प्लेस, सबसे बेस्ट विजिटिंग प्लेस है दुर्गा माता का मंदिर है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और एक शक्तिपीठ भी है। बाकी उसके अलावा आपको ये प्रकाशम बैरेज जो है ये भी एक काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंप्लीट एरिया आप देख पा रहे हैं, इस पूरे एरिया में ग्रीनरी है, तो आप लोग यहाँ पे बाइक से अगर घूमेंगे तो ज़्यादा अच्छा फील होगा। चारों तरफ आपको हरियाली, पानी, सुंदरता ही नज़र आएगी बेसिकली। Thank you.
तो दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को फैला दीजिए, थोड़ा सा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा अपने भारत के अंदर भी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।